Dear lovely kids, this is your English teacher Shivi ma'am and I welcome you all to our school channel Sims Official. Bacho, in the previous video we have already discussed about this chapter. We have started this chapter and we have completed a bit portion of this chapter and now we will be continuing this story further. Okay, so let's start. You all can open page number 2 of your books. We have started this chapter in the previous 2 videos. We have completed this chapter and now we are continuing with the story. Let's start with last paragraph. Now, how to begin? Suppose I take him to a relaxed environment like the nearby park and start the conversation dramatically. वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि मुझे नीनो से क्या कहना चाहिए. नीनो मुझसे सवाल पूछेगा, मैं उनके लिए भी तैयार हो गया हूँ. तो लेकिन बिगिन, शुरुआत कैसे करूँ, कैसे मैं उसको कहूँ, क्या कहूँ, कैसे शुरुआत करूँ. वो कहता है कि चलो मैं क्यों ना उसको एक रिलैक्स इन्वायरमेंट, मतलब एक सुकून भरी जगह ले जाता हूँ, जैसे कि पार्क. और वहाँ जाके ड्रामेटिक, मैं मतलब कि जैसे एक्टिंग करते हैं ना वैसे तरीके से कुछ क्वेश्चंस करता हूँ या कुछ बातचीत करने की कोशिश करता हूँ. और वो कहते हैं कि मैं कहूँगा, नीनो डू यू नो दिस ईयर अ सिटी इन अफ्रीका कॉल्ड केप टाउन हैज वाटर लेफ्ट फॉर ओनली 3 मंथ्स. नीनो, क्या तुम्हें पता है? दादाजी कहते हैं, आबिद सूरती कहते हैं कि मैं नीनो से इस तरीके से बात करूंगा, नीनो क्या तुम्हें पता है अफ्रीका में एक जगह है, एक सिटी है जिसका नाम है केप टाउन. और तुम्हें पता है वो जगह जो है वहाँ पे पानी बहुत कम रह गया है और सिर्फ 3 महीने तक लोग पानी वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें पानी नहीं मिलेगा. He will certainly shoot back. Shoot back का मतलब वो जब उसको ये पता चलेगा, नीनो को मैं ये कहूँगा, तो वो वापस से ज़रूर मुझसे कुछ ना कुछ कहेगा, मुझसे कुछ सवाल पूछेगा. So, I tried to foresee how this conversation would proceed. तो वो कहते हैं कि चलो मैं ठीक है इसी तरीके से बात करूँगा और मैं देखता हूँ किस तरीके से मेरी बात आगे बढ़ती है, किस तरीके से मैं प्रोसीड कर पाऊँगा अपने कॉन्वर्जेशन पर. सो नीनो से बातचीत करना शुरू करते हैं और कहते हैं, जस्ट इमेजिन नीनो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. इमेजिन करो नीनो, सिर्फ कुछ पल के लिए. इफ वी फाइंड आउट देयर विल बी नो वाटर इन आर लेक्स इन 3 मंथ्स, वॉट विल हैपन टू द मिलियंस ऑफ मुंबई कार्स. मुंबई कार्स मतलब जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं. तो ना, जो दादाजी हैं वो नीनो से कहते हैं, नीनो सिर्फ कुछ पल के लिए सोचो, क्या होगा जब हमारे लेक्स में 3 महीने के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा. सोचो क्या होगा मुंबई वाले लोगों का. मुंबई तो एक एक, एक समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है, जो बीचेस जिसके पास, जिसमें बहुत सारे बीचेस हैं. तो कहते हैं कि ऐसे सोचो, जो बीचेस हैं, ओशियंस हैं, लेक्स हैं, वहाँ का पानी 3 महीने में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. सोचो हम लोग क्या करेंगे, मुंबई वाले लोगों का क्या होगा. तो नीनो कहेगा, नीनो कहता है, नथिंग, कुछ नहीं होगा. दादाजी कहते हैं, व्हाट नथिंग, क्या क्या कुछ नहीं. तो नीनो कहता है, यस नथिंग, अरे कुछ नहीं होगा दादाजी, डीजे कुछ नहीं होगा. वी विल गेट बॉटल्ड वाटर टू ड्रिंक, हमारे पास पानी की बोतलें होंगी, पानी की बोतलों से पानी पी लेंगे. जैसे कि हम बाजार में बोतल खरीदते हैं पानी की, फिल्टर्ड वाटर होता है, मिनरल वाटर होता है, बिस्लरी का पानी होता है, इस तरीके से बहुत सारी बॉटल्स आती हैं. तो कहता है कि क्या हुआ, पानी ख़त्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम बॉटल्स खरीद लेंगे पानी की. तो दादाजी कहते हैं, बट हाँ ठीक है, हम तो ले लेंगे, लेकिन ऑल सिटीजन्स, जितने भी लोग हैं, कैन नॉट अफोर्ड इट. अफोर्ड मतलब नहीं खरीद पाएंगे, वो उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, सबके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि हर कोई पानी की बॉटल खरीद पाए. बिसाइड्स, और तो और, वी नीड वाटर फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग, गार्डनिंग एट्सेट्रा. वो कहते हैं कि हमें नहाने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, गार्डनिंग यानी पौधों में पानी डालने के लिए पानी चाहिए. तो ये बताओ कि सभी में से हम थोड़ी ना बॉटल वाटर डाल लेंगे, सभी में हर चीज़ में थोड़ी ना, अब नहाने के लिए बोतलों के पानी से नहाएंगे, 20 रुपये लीटर का पानी खरीद के नहाएंगे, कपड़े क्या 20 लीटर का पानी खरीद के धोएंगे. तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर पीने की बात है तो चलो मैं एक बार को मान लेता हूँ, बॉटल वाटर यूज़ कर सकते हैं, बट क्या करेंगे नहाने के लिए, क्या करेंगे कपड़े धोने के लिए, क्या करेंगे कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, और क्या करेंगे गार्डनिंग के लिए, यानी कि गार्डन में पानी डालने के लिए, पौधों को पानी डालने के लिए.
नीनो कहता है बट वाई वरी नाउ, लेकिन उसके लिए हमें अभी चिंता करने की क्या जरूरत है दादाजी, डीजे अभी क्यों चिंता करें, जब होगा तब देखा जाएगा, 3 महीने तो पहले ऐश से काट ले, 3 महीने तो मजा कर लें। When we come to know that a few months of water is left in our lakes, we'll find a way out. जब हमें ऐसा पता चलेगा, अभी से मैं क्यों उम्मीद करूँ, क्यों सोचूँ ऐसा, जब पता चलेगा कभी कि ऐसा होने वाला है तब सोचेंगे, तब कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। Right now we are getting our water 24 hours a day. अभी का सोचो, अभी तो हमें को 24 घंटे पानी मिल रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है कुछ सोचने की, क्या ज़रूरत है हम अभी से सोच के चलें कि भैया पानी ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, जब होगा तब सोची जाएगी। तो Finally, I decide to approach this issue during our walk around the garden. I imagined a conversation. तो वो कहते हैं कि नीनो जो है इस तरीके से जवाब देता है, तो दादाजी सोचते हैं कि ये ऐसे तो नहीं मानेगा, इसको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, लगता है मुझे इससे और भी किसी तरीके से बात करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि जब मैं गार्डन घूमने जाऊँगा तब मैं इससे बात करूँगा। वो कहते हैं मैं अपनी कॉन्वर्जेशन को इमेजिन कर रहा था। आगे वो कहते हैं, माई डियर नीनो, वाटर स्कार्सिटी सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा खतरनाक परेशानी है पानी की कमी, दैट कि यू हैव टू बी रेडी मच इन एडवांस, कि तुम्हें पहले से, बहुत पहले से ही तैयार बैठना होगा कि मान लो किसी दिन ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, आपको अचानक से पता चले कि 3 महीने के बाद आपको पानी मिलना बंद हो जाएगा, एक बूंद पानी की नहीं मिलेगी, तो तुम क्या करोगे। हमें ऐसी कंडीशन के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। वाटर स्कार्सिटी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जो कि अचानक से आ जाती है, अचानक से अराइज हो जाती है, और इसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। Heard your grandmother say when the house is on fire, it's futile to begin digging a well? क्या तुमने नहीं सुना है तुम्हारी दादी क्या कहती है? तुम्हारी दादी कहती है कि जब भी घर में आग लगे तभी हम थोड़े ना कुआं खोदेंगे, तभी कुआं खोदना तो बेकार है, कुआं तो पहले से खोदना चाहिए। अगर घर में आग लग जाती है तो उसी समय थोड़े ना कुआं खोद के पानी निकाल के आग बुझाने का काम करेंगे, बल्कि कुआं तो पहले से खुदाना चाहिए। तो यहाँ पे कुआं खोदने की बात नहीं हो रही है, ये एक कहावत है बच्चों, इट इज़ अ प्रोवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे दादाजी क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि जब प्रॉब्लम आए तभी हम उसका सोल्यूशन निकालें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो पहले से निकाल कर रखना चाहिए। तो नीनो कहता है, अच्छा यू मीन वी शुड स्टार्ट डिगिंग अ वेल इन आवर कंपाउंड टुडे इटसेल्फ। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि हम अपने वरांडा में, अपने कंपाउंड में, अपने आगे जो वरांडा होता है, ठीक है, आंगन होता है, हिंदी में आंगन बोलते हैं उसको। वो कहता है कि अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि हम अपने आंगन में आज से ही कुआं खोदना शुरू कर दें क्या? क्या आप ये चाहते हैं कि हम कुआं खोदना शुरू कर दें ताकि पानी की कभी कमी हो तो हमारी पानी की कमी पूरी हो जाए? तो अब आगे दादाजी क्या कहेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है बच्चों। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।